नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम कॉलर नेक का बेसिक ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो कोई भी पैटर्न कॉलर नेक का बनाने से पहले, चाहे वो कुर्ती हो, ब्लाउज हो, हमें ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले हम ये वीडियो देख के हम बेसिक नॉलेज ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद ही हम कोई भी कॉलर नेक का पैटर्न बनाना देखेंगे। तो जो ज़्यादा यूज में है वो है स्टैंड कॉलर। तो आज हम स्टैंड कॉलर के बारे में देखेंगे। वैसे तो कॉलर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, वेरिएशंस हैं, लेकिन जो ज़्यादा चलती है वो स्टैंड कॉलर। इसलिए हम स्टैंड कॉलर के आज दो टाइप्स देखेंगे। एक तो है वो जो हाफ कॉलर, हम चाइनीज़ कॉलर भी कह सकते हैं उसको, जो हाफ नेक में हमारे अटैच होती है, और एक जो है वो पूरी तरह से हमारी बंद होती है। तो चलो हम शुरू करते हैं। उसके लिए हमें बेसिक मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने शोल्डर 7 इंच पर लिया है। अब हम यहाँ पर 7.25 इंच पर आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो ये जो बॉडी मेजरमेंट्स का चार्ट है, हमारा पहले से एक वीडियो इसका अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो ये जो कॉलर ड्राफ्टिंग आज हम करने वाले हैं वो हम 34 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट हमारी 34 है, यानी उसका 1/4 8.5 प्लस हाफ इंच पर हमने मार्किंग कर दिया। यहाँ पर 0.25 इंच शोल्डर स्लोप देना है हमें, और वो अटैच करना होता है हमारे नेक की लाइन को, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले बैक और फ्रंट के आर्म होल का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर जो कॉलर नेक के जो मेजरमेंट्स होते हैं वो क्लोज बैक नेक के अकॉर्डिंग आपको लेने हैं। तो इस तरह से ये हमने बैक के आर्म होल का शेप दे दिया। फ्रंट के आर्म होल के शेप के लिए हमने देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ हाफ कर दिया, हाफ इंच अंदर की तरफ ले लिया, और फ्रंट के आर्म होल का शेप हमें इस तरह से कर्व की मदद से दे देना है। आप हाथ से भी यहाँ पर कर्व दे सकते हो फ्रंट के आर्म होल के लिए। इस तरह से यहाँ पर हमारा बैक और फ्रंट दोनों के आर्म होल का शेप हो गया। अब हमें यहाँ पर देखो शोल्डर स्लोप 0.25 इंच दे दिया है, वो नेक विड्थ को ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पर देखो हमें गले की चौड़ाई का नाप लेना है, यानी नेक विड्थ का नाप लेना है, और वो हम नॉर्मल नेक विड्थ की तरह नहीं लेंगे, क्योंकि कॉलर नेक का नेक विड्थ का नाप अलग होता है, और फ्रंट के नेक भी उसका नाप भी हमें हमारे नेक राउंड के अकॉर्डिंग ही लेना है। यानी गले की चौड़ाई और आगे का गला, ये दोनों नाप हमें नेक राउंड के अकॉर्डिंग लेने होते हैं। जितना हमारा नेक राउंड है उसी के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट हम लेंगे। और इसका मैंने एक चार्ट बनाया है कि चेस्ट वाइज हमारा नेक राउंड कितना होगा, और उस नेक राउंड के अकॉर्डिंग हमें नेक की विड्थ यानी गले की चौड़ाई और आगे का गला कितना लेना है, इसका मैंने चार्ट बनाया है। वो हम देखेंगे, उसके डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ पर देखो ये हमारा कॉलर नेक मेजरमेंट चार्ट है। और यहाँ पर सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेंगे, यहाँ जो मैंने राउंड नेक के मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, ये जो राउंड नेक का मेजरमेंट है ये हमारे नेक को गोलाई में नापना होता है। जहाँ पर हमारी कॉलर बैठती है नेक के ऊपर, वहाँ पर नेक को हमें गोलाई में नापना है, और वो मेजरमेंट हमारा नोट करके रखना है। तो यहाँ पर जो मैंने चार्ट बनाया है ये मैंने चेस्ट वाइज दिया हुआ है, कि अगर सपोज आपका चेस्ट साइज 32 यानी 32 इंच है, तो आपका राउंड नेक होगा 34 सेंटीमीटर, और उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक विड्थ 5.7 सेंटीमीटर लेनी है, और फ्रंट का नेक यानी आगे का गला आपको 7.7 सेंटीमीटर लेना है। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए ये बताया है। तो ऐसा नहीं है कि आपके चेस्ट साइज 32 है मतलब आपका राउंड नेक 34 इंच ही आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपका चेस्ट साइज 34 इंच है और आपका राउंड नेक जो है वो ज़्यादा बड़ा आ रहा है, 37 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आपकी नेक विड्थ जो है वो 37 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। यानी कि आपका चेस्ट साइज अगर 34 इंच है और आपका राउंड नेक अगर 37 इंच है, तो आप नेक की विड्थ 6 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, और आगे का फ्रंट का गला 8.2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जितना चेस्ट का मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपका राउंड नेक सही से आ जाए। अब और एक यहाँ पर दूसरी चीज़ है, ये जो चेस्ट साइज है, चेस्ट साइज के जो सारे मेजरमेंट्स है ये सारे मैंने यहाँ पर इंचेस में लिखे हैं, और बाकी के जो राउंड नेक है, नेक विड्थ है और फ्रंट नेक है, ये सारे मेजरमेंट्स मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर इंचेस में दे देते हैं तो पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर सेंटीमीटर में ये मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, ताकि हमें एकदम परफेक्ट फिटिंग में हमारे कॉलर का मेजरमेंट मिल जाए।
तो आप ये देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर आप मेजरमेंट ले लेते हो तो आपकी कॉलर आपको सही से फिटिंग में बैठ जाएगी। तो अभी देखे गए चार्ट अनुसार हम यहाँ पर नेक विड्थ और हमारा आगे का गला लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारी चेस्ट 34 इंच है, उसके अकॉर्डिंग हमारी नेक राउंड 35 सेंटीमीटर है, नेक विड्थ हमारी 6 सेंटीमीटर है और आगे का गला हमारा 8 सेंटीमीटर आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारी नेक विड्थ हम सेंटीमीटर में लेने वाले हैं। सेंटीमीटर का मेजरमेंट इस तरह से, यहाँ देखो इंच के नीचे की साइड में यहाँ पर सेंटीमीटर का मेजरमेंट होता है। तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर पर मार्किंग करना है, ये हमारे गले की चौड़ाई होगी। अब यहाँ पर आगे का गला हमें 8 सेंटीमीटर तक इस तरह से स्ट्रेट लेना है। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पर मार्किंग करके यहाँ पर हमने बॉक्स बना दिया। अब हम यहाँ पर कॉलर के नेक का शेप देंगे हमारे इस कर्व की मदद से। आप यहाँ पर हाथ से भी कर्व दे सकते हो। तो इस तरह से ये हमारे आगे के गले का ड्राफ्टिंग हो गया कॉलर नेक का। अब हम बैक के गले में हाफ इंच, मैंने देखो यहाँ पर हाफ इंच में हाफ इंच लेना है, सेंटीमीटर नहीं, हाफ इंच लेके अब बैक के गले का हम यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर देंगे और यहाँ पर बैक के गले का शेप दे देंगे। हाथ से भी दे सकते हो कर्व, यहाँ पर हम इस कर्व की मदद से दे रहे हैं। तो इस तरह से बैक और फ्रंट ये दोनों नेक के शेप हमने यहाँ पर बना दिए हैं कॉलर नेक के। अब हमें कॉलर का ड्राफ्टिंग करना है, तो वो किस तरह से करेंगे वो हम देखेंगे। उसके लिए हमें ये नेक राउंड मेजर करना होता है। तो ये नेक राउंड किस तरह से मेजर करते हैं वो भी हम देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कॉलर का ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चलो हम देखते हैं ये नेक किस तरह से मेजर। यहाँ पर हमने कार्ड शीट पे फ्रंट और बैक के दो छोटे छोटे पैटर्न्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक का मेजर किस तरह से करते हैं। यहाँ पर कॉलर नेक के अकॉर्डिंग हमने फ्रंट और बैक के नेक का ड्राफ्टिंग किया हुआ है। बैक का हमने हाफ इंच नीचे लिया है और फ्रंट का हमने हमारे कॉलर नेक के अकॉर्डिंग जितना मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों मेजरमेंट्स हमने लिए हुए हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें शोल्डर जॉइंट कर लेने होते हैं फ्रंट और बैक के, और फिर राउंड शेप में हमें नेक मेजर करना होता है। तो ये एक तरीका है राउंड मेजर करने का। दूसरा एक तरीका है, इस तरह से आप फोल्ड कीजिएगा और फिर आप यहाँ से यहाँ तक इस तरह से नेक मेजर कर सकते हो और उसका डबल करते हो तो हमें नेक का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो शोल्डर जॉइंट होने के बाद ही हमें यह मेजरमेंट लेना है। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर के ऊपर पिन लगा दी है। अब हम यहाँ पर टेप से मेजर करके देखेंगे कि हमारा ये नेक किस तरह से मेजर करेंगे। तो यहाँ पर देखो शोल्डर के ऊपर पिन लगा दी है, अब हम टेप से ये मेजर करके देखेंगे। तो आप सेंटीमीटर में करिएगा या फिर इंचेस में करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इस तरह से नेक को देखो गोलाई में इस तरह से बराबर से नाप लेकर हमें ये मेजर करना है। जितना आता है उसका डबल कीजिएगा तो हमें कॉलर ड्राफ्टिंग के लिए कॉलर का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 3 इंचेस आ रहा है क्योंकि ये छोटे पैटर्न हमने बनाए हुए हैं, ये हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिए हैं। तो बिल्कुल हम इसी तरीके से नेक का मेजर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारे कॉलर का ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कॉलर का ड्राफ्टिंग हम किस तरह से करेंगे। तो हम कॉलर का ड्राफ्टिंग अब देखेंगे। यहाँ पर देखो ये सपोज ये हमारा बुकरम है या इंटरफेसिंग आप जो भी कहेंगे, आपका कैनवास है। तो कैनवास के ऊपर सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करते हैं, उसके बाद हम कपड़े के ऊपर ड्राफ्टिंग करते हैं। तो ये हमारा कार्डशीट हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो आपको ये कॉलर का ड्राफ्टिंग करते समय आप इसे कैनवास के ऊपर सबसे पहले करिएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मेजरमेंट डालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ मेजर करना है कितना है। तो हमारा नेक राउंड, सपोज हमारा नेक राउंड 13 इंच आया हुआ है पूरा हमने जो मेजर किया था, तो यहाँ पर उसका हाफ बराबर से लेके यहाँ पर मार्किंग कर दिया। अब ये बराबर से हम सबसे पहले कट कर लेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर कॉलर का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पर 13 का हाफ 6.5 इंच पर मार्किंग कर दिया। अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच की कॉलर की विड्थ लेनी है, दोनों तरफ 1.5 इंच का मार्किंग कर दिया और ये लाइन हम सीधी जॉइंट कर देंगे। इस तरह से ये हमने लाइन जॉइंट कर दी। अब यहाँ नीचे का पोर्शन हमें मेजर करना है, तो ये हमारा 6.5 इंच है तो उसका हम हाफ करेंगे और वहां पर एक पॉइंट लगा देंगे। अब हमें
यहाँ नीचे से ऊपर एक हाफ इंच कवर एक और मार्किंग करना है, और ये पॉइंट ये दोनों पॉइंट हमें ज्वाइंट कर देने हैं। अब देखो ऊपर की जो लाइन है यहाँ पर हम क्वार्टर इंच अंदर की तरफ लेंगे। अब जो नीचे का पॉइंट है यहाँ पर, ये देखो जो नीचे का पॉइंट है और वो ऊपर का पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए 1.5 इंच पर एक लाइन बनानी है। तो 1.5 इंच की हम यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं, लेकिन ये लाइन हमारे उन दो पॉइंट के थ्रू ही जानी चाहिए। इस तरह से हमने ये पॉइंट बना दिया, ये लाइन बना दी हमने। अब ये बिल्कुल ऐसा थोड़ा सा स्मूथली कर्व देते हुए इस लाइन को आकर हमें मिलानी है। तो इस तरह से ये हमारे कॉलर का ड्राफ्टिंग हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ पर है, आप चाहे यहाँ पर इस तरह से पॉइंटेड भी रख सकते हो या फिर यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप देके इसको अलग लुक भी दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया। अब हम इसका कटिंग करेंगे, ये हमारा कॉलर का ड्राफ्टिंग रेडी हो गया है। इस तरह से ये हमारे कॉलर का ड्राफ्टिंग हो गया। अब यहाँ पर देखो आज हम दो कॉलर के टाइप देखने वाले हैं। ये जो है हमारी ये स्टैंड कॉलर है, ये जो लगेगी हमारे फुल नेक को लगेगी, मतलब हमारे फ्रंट का नेक जो है वो क्लोज होगा, उस समय हम इस तरह से इस कॉलर का ड्राफ्टिंग करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा फ्रंट का नेक जो होता है वो डीप होता है और वहाँ पर हम हाफ नेक तक कॉलर लगा देते हैं, तो उसका ड्राफ्टिंग भी हम देखने वाले हैं। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर होगा और ये नेक को ज्वाइंट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऊपर की साइड और नीचे की साइड का मार्किंग कर दिया। ये देखो ये नीचे बॉटम की साइड है और ये ऊपर की साइड है, इस तरह से। अब ये जब हमारी कॉलर इस यहाँ नीचे की ओर स्टिच होगी, हमारी कुर्ती ब्लाउज जो भी है, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये जो कॉलर है देखो ये आगे की तरफ इस तरह से पूरी आके मिलेगी। आप इस टाइप के जो कॉलर बनाएंगे तो आप आगे की तरफ स्लिट रख सकते हो या फिर आगे की तरफ प्लैकेट्स लगा सकते हो, बटन्स लगा सकते हो या चैन लगा सकते हो, लेकिन ये कॉलर पूरी तरह से यहाँ पर इस तरह से आगे बंद होगी। तो ये एक टाइप हो गया। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे। तो दूसरे टाइप में क्या होता है, हमारा फ्रंट का नेक डीप होता है और उसके ऊपर हम कॉलर का अटैच करते हैं। तो ये हम एक टाइप हमने देख लिया, अब हम दूसरा टाइप देखेंगे जो ज़्यादातर ब्लाउज के ऊपर कुर्ते के ऊपर हम लगाते हैं। यहाँ पर देखो फ्रंट का नेक हमारा डीप है, तो यहाँ पर चार्ट के अनुसार हमें फ्रंट के नेक की डेप्थ नहीं लेनी है। तो यहाँ पर बस हमें नेक की विड्थ चार्ट के अनुसार हम लेंगे यहाँ पर, और बाकी बैक की ओर भी हम हाफ इंच ही रखेंगे नेक की डेप्थ, और फ्रंट की ओर आप चाहे जितनी रख सकते हो नेक की डेप्थ। यहाँ पर फ्रंट की आगे का गला कितना हो इसका कोई बंधन नहीं है, आप जितना चाहे रख सकते हो और उसके ऊपर कॉलर अटैच कर सकते हो, जो हम अभी देखने वाले हैं दूसरा टाइप इसका। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं फ्रंट और बैक के, और उसके बाद हमें किस तरह से यहाँ पर नेक मेजर करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस है उसका हाफ हमें करना है इस तरह से, और फिर यहाँ से होके यहाँ तक इस तरह से हाफ तक हमारी कॉलर लगेगी। फ्रंट का नेक जितना है उसका हाफ करके वहाँ पर हमारी कॉलर लगती है। तो यहाँ से यहाँ देखना है कितना है फ्रंट का नेक, उसका हाफ करना है, और फिर इस साइड में भी आप एक मार्किंग कर लीजिएगा, और फिर हमारा इस तरह से हाफ तक कॉलर लगेगी। तो फिर शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद अब हम नेक मेजर करेंगे हमारे कॉलर के ड्राफ्टिंग के लिए, क्या हमें कितनी कॉलर का ड्राफ्टिंग करना है। तो यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलरिंग कर लेती हूँ, जो भी कलर्स के किया हुआ पोर्शन है वो हमारा कॉलर का होगा सपोज। तो ये जितना है पोर्शन उतना हमें ये मेजर करना होता है, जैसे कि मैंने कहा है। तो ये सारा शोल्डर ज्वाइंट होने के बाद ही मेजर करना है। तो ये हम मेजर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारा कॉलर का ड्राफ्टिंग होगा। ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से चेंजेस आते हैं, तो वो हम देखेंगे किस तरह से मेजर करना है। तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके से भी आप मेजर कर सकते हो फुल राउंड, या फिर उसे फोल्ड कर लीजिएगा दोनों पैटर्न को हमारे बैक और फ्रंट के, और फिर जहाँ से हमारा
कॉलर अटैच करना है, चाहे आप फ्रंट का हाफ से कर लीजिएगा या थोड़ा आप ऊपर की ओर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं से आप कॉलर को मेजर करना शुरू कीजिएगा और पूरा बैक की ओर तक हमें मेजर करना है कितना है। तो ये बिल्कुल सेम वही तरीका होगा, इसी तरह से देखो यहाँ पर भी बराबर से 3 इंच के आसपास आ रहा है। तो आपका जितना भी आएगा, आपका 6 इंच आ सकता है, 6.5 इंच आ सकता है, 7 इंच आ सकता है, जैसा आपका नेक का राउंड हो उसी के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट आ सकता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें कॉलर का ड्राफ्टिंग करना है। तो जितना भी आता है आपका, अगर आप इस तरह से फोल्ड करके मेजर करते हो तो उसका डबल करना है और वही हमारा कॉलर का मेजरमेंट होगा। और एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये फ्रंट की साइड जहाँ पर मैंने मेजरिंग टेप लगाया है वो एक मेजरमेंट भी हमें नोट करके रखना है, बस ओनली फ्रंट की साइड, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमें ज़रूरी होगा कॉलर का ड्राफ्टिंग करते समय। और ये सारा हमारा शोल्डर जॉइंट होने के बाद ही हमें मेजर करना है। तो अब हम कॉलर का ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हम कैनवास लेंगे या बुकरम लेंगे जो भी, वो हमारा जितना राउंड नेक आया है उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। तो सपोज़ हमारा राउंड नेक जो है वो 13 इंच आया हुआ है। राउंड नेक मतलब जहाँ पर हमें कॉलर अटैच करनी है और जहाँ हमने नेक मेजर किया हुआ है। तो ये इस तरह से ये 13 इंच पर हमने ये फोल्ड कर दिया। अब जैसा कि हमने पहले वाले कॉलर को लिया था 1.5 इंच हमारी कॉलर की विड्थ, तो उतनी ही हमें यहाँ पर भी लेनी है। अगर आप 1.5 इंच की कॉलर नहीं रखना चाहते तो आप 1.25 इंच की कॉलर भी रख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर देंगे दोनों ओर और ये बॉक्स बना देंगे लाइन ड्रॉ करके। सारे मेजरमेंट का तरीका वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ से यहाँ ऊपर की ओर 1/2 इंच लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा चेंज है। यहाँ से यहाँ जितना हमने मेजर किया था वो मेजरमेंट फ्रंट की साइड का, जहाँ तक हमें कॉलर अटैच करनी है, उतना ही मेजरमेंट हमें इस पॉइंट से यहाँ तक लेना है। देखो फिर से एक बार, यहाँ से यहाँ उतना ही यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से यहाँ सपोज हमारा 3 इंच आया है तो यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्किंग कर देंगे और ये पॉइंट ज्वाइंट कर देंगे। बस यही एक चेंज है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। तो इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से यहाँ 1/4 इंच अंदर की तरफ लेंगे और ऊपर की ओर 1.5 इंच तक लाइन बढ़ा देंगे इस तरह से। ये 1.5 इंच की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब सेम उसी तरह से यहाँ पर ये लाइन यहाँ इस लाइन को मैच कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कॉलर का ड्राफ्टिंग। यहाँ पर हमने थोड़ा सा कर्व शेप दे दिया, आप पॉइंटेड भी रख सकते हो। हम फिर से एक बार देखेंगे कि हमने ड्राफ्टिंग किस तरह से किया। जितना मेजरमेंट आया उसका हाफ करके हमने फोल्ड कर दिया, फिर हमने यहाँ से यहाँ मेजर करके देखा कितना है, उतना ही हमने यहाँ से यहाँ तक लिया, पॉइंट लगा दिया और बाकी के सारे ड्राफ्टिंग सेम हो गए। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो ये हमारी, हम इसे हाफ कॉलर, हाफ नेक कॉलर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी दिखेगी तैयार हो जाने के बाद। यहाँ पर भी हम बॉटम की साइड का मार्किंग कर देंगे जहाँ पर हमारी कॉलर अटैच होगी। तो इस तरह से ये फोल्ड करके देखो, ये इस तरह से दिखेगी हमारे नेक के ऊपर, ये इस तरह से लगेगी हाफ नेक की तरफ, और ये जो पहली वाली हमने ड्राफ्टिंग की थी ये इस तरह से लगेगी। तो इसका स्टिचिंग का तरीका हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके लिए हम कोई भी कॉलर नेक का ब्लाउज पैटर्न लेंगे और उसके ऊपर हम ये ट्राई करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर